चंडीगढ़ में आज हरियाणा और पंजाब के किसानों का हल्ला बोल है। मुआवजे की मांग को लेकर घेराव करने का ऐलान किया था किसानों ने और अब चंडीगढ़ की सीमाओं पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। चंडीगढ़ आने वाले किसानों को बॉर्डर पर रोका गया है। मखू से मोगा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान, करीब 20,000 किसान चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं खबरों के मुताबिक। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। किसानों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। चंडीगढ़ में तकरीबन 5,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो चंडीगढ़ में आज हरियाणा और पंजाब के किसानों का हल्ला बोल है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने बड़ी तादाद में हरियाणा और पंजाब से किसान चंडीगढ़ के लिए कूच कर चुके हैं। हालांकि बॉर्डर्स पर काफी सख्ती है और कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। और हमारे साथ तुम्हारी साथी हरसिमरत बॉल चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर मौजूद है सीधे तमाम अपडेट्स लेकर आप तमाम दर्शकों के दरमियान। हरसिमरत, बड़ी खबर है आज की, बड़ी तादाद में कूच कर चुके हैं हरियाणा और पंजाब के किसान चंडीगढ़ में हल्ला बोलने के लिए। आप इस वक्त चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है हरसिमरत कि कई बॉर्डर्स पर किसानों को डिटेन भी किया गया है। जहां आप मौजूद हैं यहां अभी क्या हालात हैं हरसिमरत? जी बिल्कुल मुमताज, हम आपको बता दें कि फिलहाल हम चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर यानी कि पंजाब के बॉर्डर पर हम हैं। यहाँ पर किसानों ने कूच करने की बात कही थी 22 अगस्त को कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में वो आना चाहते हैं, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। पर आपको बता दें कि इससे पहले ही चंडीगढ़ में जो है सख्ती कर दी गई थी। SSP कंवरदीप कौर की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे कि किसानों को किसी भी सूरत में चंडीगढ़ में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बॉर्डर की तस्वीर दिखाती हूँ। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फिलहाल जो है किसान यहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए किसानों की, तो वो जहां जहां से चले गए, जैसे कि बात की जाए पंजाब की या हरियाणा की, अपनी अपनी जगह से अपने अपने घरों से वो निकले। जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि मोगा से जो किसान निकले हैं वो टोल प्लाजा पर वहीं रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें आगे आने नहीं दिया जा रहा। पर फिलहाल मैं आपको तस्वीरें यहां पर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर की मैं दिखा देती हूं कि यहां पर आप देखिए कि किस तरह से पुलिस की तरफ से तैयारी जो है यहाँ पर प्रॉपर की गई है। बैरिकेटिंग दोनों साइड लगाई गई है। वहीं अगर मैं वाहनों की बात करूं तो यहाँ पर बड़ी गिनती में आपको बसें दिखाई देंगी। इसके अलावा वज्र वाहन जो है वो भी यहाँ पर लाया गया है। अगर जरूरत पड़ती, अगर बड़ी गिनती में किसान यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उनके ऊपर जो है पानी की बौछारें भी की जा सकती है, इसकी भी तैयारी की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, नीली ड्रेस में भी आपको जो फोर्स है वो दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर तकरीबन चंडीगढ़ की बात की जाए तो 4,000 चंडीगढ़ पुलिस के जवान और वहीं पर 1,500 पंजाब पुलिस के जवान यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, यहां पर लगाए गए हैं। और एक खास बात और मुमताज जो मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगी इस पर, यहां पर जो है इन वाहनों के साथ साथ जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंस या फिर अग्निशमक यंत्र जो है, अग्निशमक वाहन भी यहां पर मौजूद है, वज्र वाहन भी यहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर खास तौर से एक वाहन और मौजूद है, वो है दंगा नियंत्रण वाहन। आपको इसकी भी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस ने इस चीज की भी पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर कूच करते हैं यहाँ पर किसान तो उनको किस तरह से रोकना है। यानी कि कोई बड़े एक्शन की अगर यहाँ पर तैयारी होती तो उसके लिए भी पहले से तैयारी चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की गई थी। ये वाहन भी हमने आपको दिखाया। और थोड़ा सा दूर और नजर मारेंगे तो आपको बुलेट ट्रैक्टर दिखाई देंगे। ये जो आपको आर्मी की उस तरह से दिखावट में ये ट्रैक्टर आपको वो दिखाई देंगे, ये बिल्कुल गाड़ी नुमा बने हुए हैं पर ये बुलेट प्रूफ है। आपको बताएं कि जिस तरह से किसान कूच करते हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रालियां भर के लाते हैं, उसी तरह से इस बार चंडीगढ़ पुलिस भी पूरी हाईटेक है और उन्होंने अपने जो ट्रैक्टर है उसे बुलेट प्रूफ बनाया है ताकि अगर जरूरत पड़ती है कि जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि जब किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी तो पथराव हुआ था, लाठियां आगे से चली थी, तो इस तरह से कोई क्षति ना पहुंचे और उनको रोका जा सके अगर ऐसे कोई शरारती तत्व बीच में घुस आते हैं, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो की गई है। एक चीज आप और देखिए कि बैरिकेटिंग की गई है। फिलहाल जो ये टू वे रास्ता है उसको वन वे कर दिया है, यानी कि एक एक करके ही गाड़ी यहाँ से निकल सकती है। दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं एक एक करके निकाली जा रही है। आगे भी पुलिस की फोर्स है, अगर उनको कोई वाहन संदिग्ध लगता है, कोई लोग संदिग्ध लगते हैं तो उसको रोक के चेकिंग भी की जाती है। और एक तरफ आपको ये भी दिखाएं
कि आप ट्रैक्टर के साथ साथ आप ट्रक देख पा रहे हैं, टिप्पर देख पा रहे हैं, ये रेत और मिट्टी के भरे हुए यहाँ पर लाए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो इनको आगे लगा करके रास्ता रोका जाएगा। तो ट्रैक्टर ट्रिप्पर जो है आपको हम वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस जो है वो भी बैठे हैं, यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल है, आपको बताए SP मृदुल यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी फोर्स के साथ, और आने वाले हर चीज की जो चेकिंग है की जा रही है, एक एक छोटी चीज की जो इनपुट है वो इनके द्वारा ली जा रही है। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो इनकी तरफ से भी पूरी जो तैयारी है फिलहाल वो की गई है, किसी भी कीमत पर कोशिश है कि चंडीगढ़ में किसान एंटर ना हो पाए। जी मुमताज, हरसिमरत आप बनी रहे हमारे साथ, पंचकुला से एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हाउसिंग बोर्ड चौक पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। पंचकुला पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस की भी तैनाती की गई है। पंचकुला से चंडीगढ़ आने वाले रास्तों पर भी पुलिस की सख्ती है। ACP सुरेंद्र यादव ने ये तमाम जानकारी दी है, और बताया जा रहा है कि ACP सुरेंद्र यादव खुद मौके पर मौजूद। तो ये बड़ा अपडेट आपको पंचकुला से दे रहे हैं। चंडीगढ़ आने वाले रास्तों पर पूरी तरह से सख्ती की गई है। ACP सुरेंद्र यादव ने पूरी जानकारी खुद दी है। हरसिमरत पाल हमारे साथ ही मुसलसल हमारे साथ बनी हुई है तमाम अपडेट्स लेकर, उनका भी रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथी तारा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं पंचकुला से। तारा आप भी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर मौजूद हैं, और यहाँ की सूरत हाल आपके जरिए अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाना चाहेंगे। हरसिमरत चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर मौजूद हैं, तमाम लम्हे लम्हे के अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी तादाद में किसान पंजाब और हरियाणा से कूच करके यहाँ पहुंचने वाले हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है तारा अभी? आज जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से किसानों का आज चंडीगढ़ कूच का जो आंदोलन था, उसके बाद चंडीगढ़ जाने वाले जो है सभी रास्तों पर पुलिस की तैनाती की गई है। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो है पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाला जो मुख्य मार्ग है हाउसिंग बोर्ड चौक, अगर ये किसान यहाँ पर आते हैं और ब्लॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चंडीगढ़ की चरमरा जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो सूचना मिल पा रही है कि लगातार पुलिस द्वारा CID द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसान की मूवमेंट क्या है और कहां से आएंगे, क्योंकि किसानों का जो चलने का स्थान है वो शंभू बॉर्डर है, वहां से चलेंगे और चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस भी पूरी अलर्ट नजर आ रही है। किसान जो है यहाँ पर जो हाउसिंग बोर्ड चौक है उसका घेराव ना करें, उसको लेकर यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस द्वारा तैनाती की गई है, पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि जो किसान है वो चंडीगढ़ में प्रवेश ना कर सके, और उनको लेकर पुख्ता प्रबंध यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड चौक पर किया गया है। इसके अलावा जो पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाला डॉल्फिन चौक है IT पार्क के पास से, वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा विकास नगर से जो रास्ता जाता है चंडीगढ़ के लिए, वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। अगर किसान इधर आते हैं तो यहाँ पर जो है किसानों को रोकने का काम किया जाएगा। चंडीगढ़ और हरियाणा की पुलिस जो है यहाँ पर तैनात की गई है। फिलहाल इनपुट यही मिल पा रही है कि किसान यहाँ आ सकते हैं, इसी को लेकर जो पुलिस की तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है। फिलहाल अभी जो ट्रैफिक है वो चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड चौक पूरी तरह से व्यस्त चौक है, जहाँ पर हजारों वाहन जो है रोजाना चंडीगढ़ से पंचकुला और पंचकुला से चंडीगढ़ आते हैं। अगर ये किसानों के द्वारा जाम किया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए आ सकती है, और क्योंकि परेशानी ना आए लोगों को, उसको लेकर जो चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस यहाँ पर तैनात है। अगर किसान इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं तो किसानों को रोकने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग की जाएगी और यहाँ पर किसानों को रोकने का पूरा प्रबंध किया गया है। जी ठीक है तारा, हम हरसिमरत से एक बार और अपडेट ले लेते हैं। हरसिमरत बताया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 की तादाद में हरियाणा और पंजाब से किसान आज चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचने वाले हैं। इन बॉर्डर पर आप लोग मौजूद हैं, आपने बताया कि सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तकरीबन 5,500 सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लगाया गया है। चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। तो ऐसी कोई इनपुट है हरसिमरत अभी कि तकरीबन कितनी देर में किसानों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, हालांकि कई बॉर्डर्स पर किसानों को ऑलरेडी डिटेन किया गया है?
आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस जो है उन्होंने ठान रखा है कि हमने किसानों को यहाँ एंटर होने नहीं देना है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ में जो 27 प्रवेश द्वार हैं, फिर वो चाहे पंचकुला से हो, चाहे मोहाली से हो, चाहे जीरकपुर से हो, चाहे डेराबस्सी से हो, चाहे खरड़ से हो, तो ऐसे जितने भी प्रवेश द्वार हैं चंडीगढ़ में आने के लिए, उन सभी को सील किया गया है। तकरीबन 5,500 पुलिस जो है यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। ये सभी मोर्चा संभाले हुए हैं और पुख्ता जो है इन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। जैसे कि आपने बताया कि बाकी जगह से जो है किसान आना चाहते हैं, तकरीबन 20,000 के लगभग किसान हैं जो चंडीगढ़ में आना चाहते हैं, पर अभी फिलहाल जो है चंडीगढ़ एंट्रेंस की जो तैयारी है वो किसानों की तरफ से की जरूर गई है, पर सारे बॉर्डर सील होने की वजह से पहली बात तो वो जहां से निकल रहे हैं, जैसे कि हमने मोगा का जिक्र किया या कपूरथला का जिक्र किया या बाकी जगह का जिक्र किया, तो वहां पर ही उनको रोक लिया गया है। फिलहाल उनके चंडीगढ़ आने की कोई सूचना जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। यही पता लगा है कि 100 किसान नेता जो है वो नजरबंद हुए हैं, उन्हें जो है वहीं पर रखा गया है, डिटेन किया गया है, और चंडीगढ़ आने का अभी फिलहाल उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है हरसिमरत, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तारा, आपसे भी हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। आप दोनों तमाम सूरत हाल पर नजर बना रखे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। पंचकुला से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। हाउसिंग बोर्ड चौक पर पुलिस की भारी तैनाती है। पुलिस अधिकारियों ने इस हवाले से बातचीत भी की और बताया कि सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। एसीपी सुरेंद्र यादव ने भी ये जानकारी दी। लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पंचकुला से चंडीगढ़ के जितने भी एक्सेस रूट हैं, और एक्सेस रूट आर वेल गार्डेड और हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो क्या सर किसान इधर से आ सकते हैं जो चंडीगढ़ घेराव के लिए निकल रहे हैं पंजाब रहना? नहीं, ऐसे हमसे जो प्रशासन से इस संबंध में मार्च के लिए कोई ना ही तो परमिशन वगैरह ली गई है, और वो किस रूट से जाएंगे फिलहाल हमें इस चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पर जो है चंडीगढ़ के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं तो पंचकुला पुलिस ने जो है उनके सभी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड जो लाइट पॉइंट की जो एंट्री है उस पर यहाँ मैं एसीपी सुरेंद्र सिंह देख रहा हूँ, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ भी पुलिस ने अच्छे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।